हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज वीडियो रे हमें डिस्कस करबा जनरल अवेयरनेस रो केते गुडी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो जहाँ कि आपणकर अपकमिंग एग्जाम जेल वार्डर ओ ट्रिपल सी पीओ सीजीएल आदि पई निहाती हेल्पफुल रहइबो। ओके, तो सेति पई वीडियो टी को स्टार्ट रु एंड पर्यंत निश्चय देखंतु। आ चैनल को प्रथम थर विजिट करथिले निश्चय यहाँ को सब्सक्राइब कर दियंतु। ओके, तो चलंतु स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। तो निम्नलिखित कंट्री मानक मध्यरु केउटा सार्क रो सदस्य नुहे। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होइबो ऑप्शन 4, म्यांमार। ओके, तो म्यांमार जाकी सार्क रो सदस्य नुहे। ओके, तेबे सार्क रो सदस्य थिबा राष्ट्र गुडी को जानि नियंतु। तो से गुडी को हेउची बांग्लादेश, ओके बांग्लादेश, तपरे भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीप, पाकिस्तान, तपरे श्रीलंका, ओके तो ये सब हूँ सार्क रो सदस्य थिबा देश। ओके, तो यह को निश्चय मन रखंतु। तो आउ थरे जाने नियंतु सार्क रो सदस्य थिबा देश गुड़ी को हूँ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, मालदीप, पाकिस्तान, श्रीलंका। ओके, तो यही सब देश गुड़ी को नहीं सार्क गठन करा जायतिला। एवं ये सार्क केबे गठित होइतिला, तो यह होइतिला 1985 रे। ओके, आउ यार हेडक्वार्टर टी होची नेपाल रो काठमांडू। ओके, तो नेपाल रो काठमांडू रे रहिची सार्क रो हेडक्वार्टर। ओके, किंतु जेते बेले यहा फाउंड करा जायतिला 1985 रे, तो सेही समय रे सार्क रो हेडक्वार्टर थिला बांग्लादेश रो ढाका। ओके, तो जेते बेले सार्क गठन करा जायतिला, तो सेही समय रे यार हेडक्वार्टर थिला बांग्लादेश रो ढाका, एवं वर्तमान यार हेडक्वार्टर टी होची नेपाल रो काठमांडू। ओके, आउ ए सार्क रो फुल फॉर्म टी कोण, तो यह मध्य जानी रखंतु। तो सार्क रो फुल फॉर्म टी होची साउथ एशियन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ओके, तो सार्क रो फुल फॉर्म टी होची साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो यह को नोट करि नियंतु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो क्यों शेड्यूल रे यूनियन एवं स्टेट मध्य रे जो पावर डिवाइड करा जाय छी से विषय रे उल्लेख अछि बा मेंशन अछि। तो संविधान रे टोटल 12 शेड्यूल रहै छी। ओके, तो सेथिरु क्यों शेड्यूल रे यूनियन एवं स्टेट मध्य रे जो पावर डिवाइड करा जाय छी से विषय रे मेंशन अछि। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होइ जबो 7th शेड्यूल। ओके, तो 7th शेड्यूल रे यूनियन एवं स्टेट मध्य रे जो पावर डिवाइड करा जाय छी तो से विषय रे मेंशन अछि। ओके, आ एहा आर्टिकल 246 रे मेंशन अछि। ओके, तो एहार आर्टिकल हे छी 246, आ शेड्यूल हे छी 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएनओ वाज फाउंडेड एट डेस। तो यूएनओ केउठारे फाउंड करा जायतिला, तो यहार करेक्ट आंसर टी होजबो सान फ्रांसिस्को। ओके, तो सान फ्रांसिस्को रे यूएनओ फाउंड करा जायतिला। ओके, तेबे यूएनओ केबे फाउंड करा जायतिला, तो मने रखंतु एहा सेकंड वर्ल्ड वॉर रे शेष हेबा परे 1945 रे एहा गठित होइतिला। ओके, त
तो यूएनओ गठन कर 1945 रे आउ प्लेस होउची सान फ्रांसिस्को। ओके आ यूएनओ रो फुल फॉर्म टी कोनो त माने रखंतु यूएनओ रो फुल फॉर्म टी होउची यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके तो यूएनओ रो फुल फॉर्म टी होउची यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो किए दादा साहेब फाल्के अवार्ड र रिसिपिएंट नुहंती, माने दादा साहेब फाल्के अवार्ड किए पाई नथिले। तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 4 रामानंद सागर। ओके तो रामानंद सागर जे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड टी पाई नथिले, किंतु राज कपूर, बी सेंथरम एवं अशोक कुमार एम दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाई। ओके तबे दादा साहेब फाल्के अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड जहाँकि फिल्म इंडस्ट्री रे दिया जाए था। ओके तो फिल्म इंडस्ट्री रो हाईएस्ट अवार्ड हो दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ओके आउ यहाँ रामानंद सागर जे कि पाई नथिले। आउ 2022 मसीह रे दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाई तो मन रखंतु फरहान अख्तर। ओके तो फरहान अख्तर जे कि जय भीम मूवी पाई पाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन ए कंक्रीट रोड बिकज। तो रोड रे चलिबा अपेक्षा बरफ रे चलिबा हम पाई कष्टकर होइतै, एहर कारण कौन? तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो देयर इज वेरी लिटिल फ्रिक्शन बिटवीन द आइस एंड फीट प्रेसिंग इट। ओके तो आमे जेते बेले रोड रे चलू तो सेते बेले फ्रिक्शन टी बेसी होइतै, किंतु बरफ रे चलिबा द्वारा जेउथिरे कि फ्रिक्शन कम होइतै आम पाद एवं बरफ मध्यरे, जहा द्वारा आमको चलिबारे कष्टकर होइतै। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएचआरसी इज लोकेटेड एट टेस। तो यूएनएचसीआर रो हेडक्वार्टर टी क्यों ठारे रही? तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो जेनेवा। ओके तो जेनेवा रो स्विट्जरलैंड रे रही यूएनएचसीआर रो हेडक्वार्टर। ओके तो यूएनएचसीआर रो फुल फॉर्म टी कौन तो मन रखंतु यूनाइटेड नेशन हाई कमिशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमिशनर फॉर रिफ्यूज। ओके तो यूएनएचसीआर रो फुल फॉर्म टी होची यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज। ओके आउ एहा गठित होइतिला 1950 रे। ओके तो 1950 रे यूएनएचसीआर टी गठित होइतिला एवं एहा रहिची जेनेवा रो स्विट्जरलैंड रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुइटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज डेस। तबे न्यूक्लियर रेडियस को एक्सप्रेस करिवार मोस्ट सुइटेबल यूनिट टी कोटा। तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन 4 फर्मी। ओके तो न्यूक्लियर रेडियस को एक्सप्रेस करिवार मोस्ट सुइटेबल यूनिट होची फर्मी। ओके तो सही परी परमाणु रो आकार को एंगस्ट्रम एकक करे, तो एंगस्ट्रम एकक करे परमाणु रो आकार को प्रकाश करा जाय। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ड्रॉप्स एक्वायर स्पेरिकल शेप ड्यू टू डैश। तबे रेन ड्रॉप्स क्योंथिपई ई स्पेरिकल शेप टी होइथै, तो यार कारण कोन? यार आंसर हिजबो ऑप्शन 2 सरफेस टेंशन। ओके तो यहा एथिपई रेन ड्रॉप्स बा वर्षा बुंदा स्पेरिकल होइथै। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्पज ऑफ सार्क तेबे सार्क रो पर्पज कौन तो एठारे ऑप्शन वन रे दिछी टू एक्सेलेरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनक्रीज कोलाबोरेशन माने अर्थनैतिक वृद्धि एवं कोलाबोरेशन को एक्सेलेरेट करिवा तापर नेक्स्ट दिछी टू म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक सोशल कल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक फील्ड तेबे आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रजुक्ति विद्या एवं वैज्ञानिक क्षेत्र रे सहायता प्रदान करिबा तो यह मध्य सार्क रो गोटे पर्पज तापर दिछी टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया तो साउथ एशिया रो लोक मानकर वेलफेयर को प्रमोशन करिबा तो यह मध्य सार्क रो पर्पज ओके तो सेति पई एठारे करेक्ट आंसर टी होइबो ऑप्शन फोर ऑल ऑफ अबव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एस्काप इज लोकेटेड एट टेस तबे एस्काप केउठारे रहिछि तो यार करेक्ट आंसर टी होइबो ऑप्शन टू बैंकॉक ओके तो एस्काप इज लोकेटेड एट बैंकॉक ओके तो एस्काप रो फुल फॉर्म टी कोन तो एस्काप रो फुल फॉर्म टी होछि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड पैसिफिक ओके तो ईएससीएपी बा एस्काप रो फुल फॉर्म टी होची इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड पैसिफिक ओके आउ एहा फाउंड होई थिला 1947 रे ओके तो यह फाउंड होई थिला 1947 रे आ वह रहिछि बैंकॉक ठारे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटर्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन डेस तो सीएनटीओ बा सेंटर रो हेडक्वार्टर टी क्यों ठारे रहिछि तबे यार हेडक्वार्टर टी रहिछि अंकारा ओके तो ऑप्शन वन होइछि बठारे करेक्ट आंसर ओके तो सेंटोर हेडक्वार्टर टी रही अंकारा ठारे ओके आउ यार फुल फॉर्म टी मन रखत सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ओके तो सेंटर फुल फॉर्म टी होची सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ओके आउ एहा गठित होइतिला 24 फेब्रुवारी 1955 रे ओके तो एहा गठित होइतिला 24 फेब्रुवारी 1955 मसिया रे ओके आउ एहार हेडक्वार्टर टी रहिछि अंकारा ठारे ओके आउ एहार फुल फॉर्म टी कोन सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द हेडक्वार्टर्स ऑफ WIPO इज लोकेटेड डेस तो WIPO बा विपर हेडक्वार्टर टी केउठारे रहिछि तो यार करेक्ट आंसर टी होइबो जेनेवा ओके तो जेनेवा टारे विपर हेडक्वार्टर टी रहिछि ओके आ एही विपर फुल फॉर्म टी मन रखंतु ए होइछि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ओके तो विपर रो फुल फॉर्म टी होची वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ओके आ वे फाउंड कर जायतिला 1967 रे ओके तो विपो फाउंड कर जायतिला 1967 रे ओके आउ एही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट करा जाए अप्रैल 26 रे ओके तो अप्रैल 26 रे विपो डे सेलिब्रेट करा जाए ओके आउ एहार हेडक्वार्टर टी रहिछि जेनेवा टारे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया गेव द पावर टू द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस
तो ब्रिटिश इंडिया रो क्यों एक्ट अनुसार राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करिवारो पावर दिया जाय थिला। तो यार करेक्ट आंसर टी हो जिवो 1935 मसीहार भारत शासन आईन माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुसार प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करथांती। ओके तेबे ही ऑर्डिनेंस बा अध्यादेश कौन अटे तो मन रखंतु पार्लियामेंट रो टोटल 3 सेशन रहिछि। तो गोटे हला बजेट सेशन तपर मनसून सेशन एवं आउ गोटे होची विंटर सेशन। तेबे एथिरु सबठार हाईएस्ट होची बजेट सेशन। ओके तेबे ई सेशन मध्य रे 6 मंत्र गैप रहिथाय एवं एही सेशन चले नथिबा समय रे जते बेले कौनसी गोटे बिल पास करिवार आवश्यकता पड़े तो सही समय रे राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करथंती। ओके तो ऑर्डिनेंस केते बेले जारी करथंती तो जते बेले कौनसी अधिवेशन चालू न थाए एवं सही समय रे कौनसी बिल पास करिवार आवश्यकता थाए तो सही समय रे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करथंती। ओके आ एहा रहिछि आर्टिकल 123 रे। ओके तो सही परी गवर्नर बा राज्यपाल मध्य ऑर्डिनेंस जारी करथंती आ एहार धारा हेउची आर्टिकल 213। ओके तो आर्टिकल 213 अनुसार गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करथंती आ प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करथंती आर्टिकल 123 एहा को निहाती मने रखंतु। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट्स वाज लेड बाय टेस तो प्रथम भारतीय जहाँ कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट को लेट करिवार दायित्व दिया जाय थिला बा निर्वाह करिथिले तेबे से किए तो से होचंती मनमोहन सिंह। ओके तो मनमोहन सिंह होचंती प्रथम भारतीय जी की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट को लेट करिवार दायित्व निर्वाह करिथिले। ओके आ एहा होइथिला 1993 रे। ओके 1993 रे एहा होइथिला एवं एहा क्यों ठारे होइथिला तो एहा होइथिला ऑस्ट्रेलिया रो वियना ठारे। ओके तो ऑस्ट्रेलिया रो वियना ठारे एहा होइथिला। ओके आ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे केबे पालन करा जाय तो एहा केबे पालन करा जाय तहा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जणेबे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज ए स्फेरिकल कैविटी इनसाइड इट व्हेन द बॉल इज हिटेड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल डैश तो गोटे कठिन धातु रो बॉल गोलाकार थाए तो ताहा को जदि आमे गरम करबा तो कण हेबो तो यह बढ़ी जिवो तो एठार करेक्ट आंसर टी होजबो इनक्रीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन शारदा जोशी सम्मान इज अवार्डेड फॉर डैश तबे शारदा जोशी सम्मान कौन पाई दिया जाए तो यह दिया जाए था सेटर एंड एसे तो ऑप्शन 4 हो जिवो एठार करेक्ट आंसर। ओके एवं यह को किए दे थंती और यह को दे थंती मध्य प्रदेश बा एमपी सरकार। ओके तो मध्य प्रदेश सरकार दे थंती शारदा जोशी सम्मान। ओके आ एथिरे दिया जाए था 51,000 टंका। ओके तो एथिरे प्राइस दिया जाए था 51,000 टंका। ओके आ यह को दे थंती एमपी सरकार बा मध्य प्रदेश सरकार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मिलिटरी एलियंस इज डैश तो मिलिटरी एलियंस हूँ एक प्रकार एग्रीमेंट जहाँकि नेशनल सिक्योरिटी पाई नेशन मानक मध्य दिया जाए था। ओके तो मिलिटरी एलियंस हूँ गोटे नेटो। ओके तेबे नाटो हूँ गोटे मिलिटरी एलियंस। ओके तेबे ही नाटो रो फुल फॉर्म टी कौन तो मन रखंतु नेटो रो फुल फॉर्म टी होची नॉर्थ एटलांटिक नॉर्थ एटलांटिक
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो नेटो रो फुल फॉर्म टी होची नॉर्थ आटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आउ एहार हेडक्वार्टर टी रही ब्रसेल र बेल्जियम रा ब्रसेल ठारे। ओके ओके, तो 1949 मसीह रे या फॉर्मेशन होइतिला। ओके, आउ एथिरे टोटल मेंबर रह चंती 30 टी स्टेट। ओके, आउ जे एही नाटो पई ही रूसिया एवं यूक्रेन मध्ये रे जा की रिसेंटली युद्ध होइतिला। ओके, तो यहाँ थिला जनरल अवेयरनेस रो टॉप 20 क्वेश्चन। ओके, तबे वीडियो टी जदि आपण मन को हेल्पफुल लागिला तबे निश्चय यहाँ को गोटे लाइक कर देबे एवं चैनल को नुआ आसी थिले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। ओके, धन्यवाद।